हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं बात करने वाला हूँ फिल्म पानीपत के स्पॉइलर फ्री रिव्यू के बारे में। तो चलिए देखते हैं क्या खास है इस फिल्म में, जिस वजह से आपको ये फिल्म देखनी भी चाहिए या नहीं। सो फ्रेंड्स, मैं आपके सामने ज्यादा घुमा फिरा कर कोई भी बात नहीं रखूंगा कि एक्चुअल में ये फिल्म आपको देखनी भी चाहिए या नहीं। वेल, तो सीधा और साफ जवाब है कि जी हाँ, आपको ये फिल्म एक बार थिएटर में तो जाकर देखनी ही चाहिए, अगर आप इस तरीके की हिस्टोरिकल पर बनी हुई फिल्में देखना पसंद करते हैं तो ही, वरना अगर आपको इस टाइप की फिल्में पसंद नहीं आती है तो आप इस फिल्म से कोसों दूर रहे। और एक पॉइंट ये भी है कि अगर आपको आशुतोष गोवारिकर की फिल्में आज की तारीख में पसंद नहीं आ रही है तो ये फिल्म शायद उससे थोड़ी हटकर हो सकती है। जी हाँ, इस फिल्म की अगर डायरेक्शन की तारीफ की जाए तो उस एंगल से फिल्म का डायरेक्शन बहुत ज्यादा अच्छा है। यहाँ पर फिल्म के डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर ने फिल्म की काफी सारी डिटेल्स पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया है, जिसमें वो पूरी तरीके से सक्सेस होते हैं। और यहाँ तक कि उन्होंने अर्जुन कपूर और कृति सोनन जैसी एक्ट्रेस से भी एक्टिंग करवाई है फिल्म में। वेल, तो आपको ये बात पता होगी कि जब इस फिल्म का पहला ट्रेलर निकल कर आया था तो लोगों ने इतनी ज्यादा अर्जुन कपूर को लेकर ट्रोलिंग की थी कि अर्जुन कपूर को एक्टिंग करने नहीं आती और इस फिल्म के साथ भी वो यही करेंगे। बट मैंने ट्रेलर ब्रेकडाउन के टाइम पर भी यही बात कही थी कि किसी को भी ट्रेलर देखकर फिलहाल तो अर्जुन कपूर को जज नहीं करना चाहिए, और वैसा ही हुआ। अब लोग फिल्म के ट्रेलर को देखकर जो अलग बातें कर रहे थे, फिल्म देखने के बाद उनकी राय बिल्कुल बदल गई है। यानी ये चीजें बस वही लोग करते हैं जिन्हें फिल्मों का ज्ञान नहीं होता, और पानीपत फिल्म के साथ भी ऐसा ही कुछ हुआ है। यानी अगर एक्टिंग की कैटेगरी की अगर मैं सबसे पहले बात करूं तो नो डाउट फिल्म में सबसे ज्यादा जबरदस्त एक्टिंग आपको संजय दत्त की ही लगेगी, और उसके बाद जाकर दूसरा नाम निकल कर आएगा अर्जुन कपूर का, और तीसरे नंबर पर आती है कृति सोनन। इन तीनों के अलावा फिल्म में जितने भी बड़े बड़े एक्टर्स लिए गए हैं वो फिल्म की कास्टिंग की तरह फिल्म में हमें उतनी ही देर के लिए नजर आते हैं। यानी जितनी ज्यादा कास्टिंग उतना ही कम और छोटा सा रोल, इसलिए उन सभी की एक्टिंग की तारीफ तो मैं यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं कर सकता, क्योंकि सभी को रोल दिया गया है आने और जाने का, यानी गेस्ट अपीयरेंस पकड़ लो आप इन्हें। और कुछ क्रिटिक्स जो फिल्म की डिटेलिंग्स की बात कर रहे हैं, तो जी हाँ, फिल्म के कॉस्ट्यूम सेट्स इन सभी पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया गया है। बट अनफॉर्चुनेटली अगर उतना ही ज्यादा ध्यान फिल्म की VFX टीम पर दे दिया जाता तो ये फिल्म और भी ज्यादा अच्छी बनती। जी हाँ, इस फिल्म की कंपैरिजन ऑब्वियसली बॉलीवुड में बाकी बनी फिल्मों के साथ तो बिल्कुल भी नहीं की जा सकती। यानी बड़े बजट पर बनी हुई फिल्में जैसे कि बाजीराव मस्तानी, पद्मावत और बाहुबली जैसी फिल्म, ये फिल्म इस कैटेगरी में बहुत ही बुरी तरीके से मार खाती है। और सिर्फ यही चीज इस फिल्म में ज्यादा बुरी नहीं, फिल्म की अगर बुरी चीजों की बात की जाए तो फिल्म में काफी सारी बुरी चीजें आपको देखने मिलती है, जिनमें सबसे पहला पॉइंट है फिल्म का रनिंग टाइम, जो लगभग 3 घंटे का है। और आशुतोष गोवारिकर जैसे डायरेक्टर की फिल्म अगर 3 घंटे की होती है तो फिल्म अपने मुद्दों से भी भटकती है, और ये फिल्म भी ठीक वैसी ही है, जिसमें हमें फर्स्ट हाफ में ये फिल्म इतना ज्यादा बोर करने लगती है कि हमें एक्चुअल में पता ही नहीं चलता है कि हम पानीपत देखने आए हैं या फिर सदाशिव राव और उनके वाइफ के बीच की केमिस्ट्री। और उसके बाद संजय दत्त का कैरेक्टर जो इतना ज्यादा कंफ्यूज है, जिसे ये नहीं पता कि कौन उसके साथ है और कौन नहीं, बार बार अपने सलाहकारों से यही बात पूछता है कि ये बंदा कौन है और ये बंदा कौन। बट हाँ, संजय दत्त के कैरेक्टर को लेकर एक अच्छी बात ये रही कि उन्हें इस फिल्म में क्रूर मुगल जैसा नहीं दिखाया गया, जैसा क्रूर हमने बॉलीवुड की अब तक की फिल्मों में देखा है मुगल्स को, क्योंकि उनकी छवि को ही कुछ इस तरीके से बना दिया गया है कि आज की तारीख में हमारे इंडिया में लोग मुगल्स को एक हिसाब से विलन के तौर पर ही देखते हैं। इसीलिए पद्मावत फिल्म में भी रणवीर सिंह ने खिलजी के कैरेक्टर को इतना ही ज्यादा खूंखार दिखाया था, जो कि एक्चुअल में ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं था। बट अगर देखा जाए तो इस टाइप की फिल्में आज की जनरेशन का ब्रेन वॉश करती है, वो भी उन्हें गलत डिटेल्स देकर कि एक्चुअल में हिस्ट्री में क्या हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर फिल्म के डायरेक्टर्स अपने हिसाब से कुछ पॉइंट्स ऐड करते हैं, जो कि इस फिल्म में भी है। और इस फिल्म की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है फिल्म के 4 राइटर्स, जिनकी राइटिंग्स फिल्म में इस तरीके से लिखी गई है कि हमें एक्चुअल में ये बात पता चल जाती है कि 4 राइटर्स के अलग अलग पार्ट्स की हम पूरी की पूरी 3 घंटे की फिल्म बैठकर देख रहे हैं, क्योंकि फिल्म हर एक फेस में बिल्कुल अलग ही चलती है। मानो जैसे अभी जो मैंने आपको डिटेल दी, सदाशिव और पार्वती बाई के बीच की केमिस्ट्री, वो एक अलग ही पोर्शन है। उसके बाद छोटी मोटी राजनीति का पोर्शन अलग, उसके बाद पूरी की पूरी वॉर की तैयारी कि किस तरीके से पानीपत की बैटल के लिए सदाशिव राव और अहमद शाह अब्दाली ने प्रिपरेशन की थी, और आखिरी पार्ट आता है फिल्म की एंड बैटल का, और यही बैटल आपको आपकी सीट पर बैठा कर रखती है और आपके पैसे वसूल कर कर देती है लास्ट के आधे घंटे में। बाकी पूरी फिल्म आपका बस एक हिसाब से टाइम ही वेस्ट करती है और बस बेकार से मुद्दों पर भटकती ही रहती है, जिसमें 3 घंटे को ऐड कर हमारे पेशेंस को टेस्ट करने की कोशिश की गई है कि हम कितना इस फिल्म को सहन कर सकते हैं। लेकिन हाँ, एक बात मैं कहूंगा कि फिल्म के एंड के उस बैटल को देखकर मुझे नहीं लगता है कि मासेस ऑडियंस को पूरी की पूरी फिल्म याद रह जाएगी, और वो बस पूरी की पूरी फिल्म को अच्छा फिल्म के एंड के सीन को ही देखकर बोल देंगे। यानी ये सिचुएशन भी ठीक रॉ और गोल्ड जैसी फिल्म को लेकर है, जिसमें पूरी फिल्म हमें स्टार्ट से लेकर एंड आने तक पकाती है और आधे घंटे इंटरेस्टिंग बनाकर हमारे देशभक्ति को जगाकर अच्छे खासे कलेक्शन बॉक्स ऑफिस पर कर ले जाती है और तारीफें भी
भी बटोर लेती है और इस फिल्म के साथ भी कुछ ऐसा ही होगा। और अगर सबसे इम्पोर्टेंट बात करूं तो मेरी फिल्म से कोई पर्सनल दुश्मनी तो बिल्कुल भी नहीं है और ना ही मराठास और मुगल से, लेकिन जिस तरीके से फिल्म में इन सभी के सभी कैरेक्टर्स को प्रेजेंट किया जाता है वो चीज बहुत ही ज्यादा गलत लगती है मुझे। इसलिए मेरे इस पूरे के पूरे रिव्यू को आप इसी बात को ध्यान में रखकर देखिएगा कि मैं यहाँ पर फिल्म के बारे में बात कर रहा हूँ, ना कि हिस्ट्री के बारे में कि एक्चुअल में फिल्म में क्या दिखाया गया और फिल्म देखने लायक थी भी या नहीं। इसलिए कभी भी मेरे रिव्यू को इस तरीके से तो बिल्कुल भी जज मत कीजिएगा कि मैं किस कैरेक्टर से नफरत करता हूँ या फिर मैं बॉलीवुड की मूवीज से नफरत करता हूँ। वेल, ऐसा कुछ भी नहीं। अगर बॉलीवुड की फिल्में अच्छी होती है तो मैं फिल्मों को अच्छा ही कहता हूँ, और अगर बुरी फिल्म है तो डेफिनेटली बॉलीवुड की फिल्में बुरे का क्रेडिट ले जाती है, जो कि 2019 में काफी ज्यादा थी। और अब इस केस में बात की जाए पानीपत फिल्म की, तो मैंने आपको डायरेक्शन वाइज भी ये फिल्म बता दी कि फिल्म कैसी है, उसके बाद डिटेलिंग, एक्टर्स की एक्टिंग, और अब बात कर लेते हैं फिल्म के प्लॉट की। जो हमने ट्रेलर में भी देखा और टाइटल में भी हमें ये बात पता चल जाती है कि फिल्म का टॉपिक पानीपत के थर्ड बैटल पर है। बट इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिल्म के पानीपत के टाइटल के नीचे जो दूसरा टाइटल लगाया गया है द ग्रेट बेटवेल का, वो हमारे पेशेंस को टेस्ट करता है। और शायद हो सकता है कि फिल्म के डायरेक्टर आशुतोष गोवारिकर को भी ये बात फिल्म के एंड के बैटल में याद आई होगी कि उनकी फिल्म के टाइटल के एंड के नीचे ग्रेट बेटवेल भी लगा हुआ है, इसलिए उस पोर्शन को फिल्म के एंड में दिखाया गया जब तक हमारी पूरी की पूरी उम्मीद दम तोड़ देती है। और वो भी 10 मिनट का वो सीन है जो आता है और काफी जल्दी से चला जाता है। इसलिए ये टाइटल पानीपत के साथ में तो बिल्कुल भी सूट नहीं होता। और अगर देखा जाए तो इस टाइप की फिल्मों को बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा रिसर्च कर बनाया जाता है, क्योंकि इस बैटल की बात की जाए तो ये पानीपत की बैटल सिर्फ दो लोगों के बीच नहीं बल्कि और भी काफी कैरेक्टर्स के बीच थी, जिसमें काफी सारी राजनीति और बहुत सी चीजें हुई थी जो इस फिल्म से पूरी तरीके से मिसिंग थी। यहाँ तक कि मोनिश बेल के कैरेक्टर नाना साहब की भी पूरी डिटेल फिल्म में दिखाई नहीं गई कि बैटल के बाद एक्चुअल में उन्होंने क्या किया था, क्योंकि इस लड़ाई को हारने का श्रेय जितना ही ज्यादा सदाशिव राव भाव पर जाता है उससे ज्यादा ये क्रेडिट नाना साहब राव को मिलना चाहिए, जो इस बैटल को लेकर बिल्कुल भी चिंतित नहीं थे। हालांकि ये बात अलग है कि फिल्म में इस एंगल को दिखाया ही नहीं गया है और यहाँ पर कहानी हमें कुछ और ही चीजें दिखाती है, जबकि असल हिस्ट्री नाना साहब पेशवा को लेकर कुछ और ही थी। खैर, तो अब सीधे आते हैं फिल्म की रेटिंग्स पर, क्योंकि मुझे लगता है मैंने आपका काफी टाइम बर्बाद कर दिया है इस फिल्म को लेकर कि एक्चुअल में इस फिल्म की राय मेरी नजर में किस तरीके की है। अब ये पर्सनल ओपिनियन सिर्फ मेरा था और मुझे ये फिल्म देखकर जैसी लगी है मैंने आपको वही डिटेल दी है। और अब इसी डिटेल्स के साथ बात करें फिल्म के एक्शन की, तो जी नहीं, ये फिल्म फुल ऑन एक्शन तो बिल्कुल भी नहीं है। फिल्म के एंड के बैटल में काफी ज्यादा एक्शन यूज किया गया है, बट पूरी फिल्म बहुत ही ज्यादा शांति के साथ चलती है। इसलिए जो कोई भी एक्शन फिल्म में दिखाया गया है वो हमें फिल्म के एंड के बैटल में मट्टियों के कारण ठीक तरीके से दिखाई नहीं देता, बट जो भी है वो ठीक है। इसलिए एक्शन को मैं दूंगा 5 में से 1.5 स्टार, वो भी सिर्फ और सिर्फ VFX की वजह से। और उसके बाद बात करें कॉमेडी और हॉरर की, तो इन दोनों को मैं दूंगा 0, क्योंकि ऑब्वियसली ये दोनों ही चीजें फिल्म में है नहीं। इसके बाद बात करें ड्रामा की, तो फिल्म बहुत नहीं बल्कि काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बन सकती थी अगर फिल्म को गलत मुद्दों पर भटकाया नहीं जाता तो ही, यानी वही प्यार वाला एंगल और फिल्म के गाने, जिस वजह से फिल्म की लेंथ जबरदस्ती की बढ़ गई थी। अगर इस फिल्म को सिर्फ और सिर्फ पानीपत की उस बैटल पर फोकस रखकर भी बनाया जाता तो लोगों को ये फिल्म बहुत ज्यादा पसंद आ, जो कि ये फिल्म अभी भी लोगों को आएगी ही। इसलिए ड्रामा को मैं दूंगा 5 में से 2.5 स्टार। और उसके बाद आ जाए सस्पेंस पर, तो जैसे कि मैंने आपको कहा फिल्म के टाइटल का ये सस्पेंस फिल्म के एंड में आता है, जिसका अंदाजा हमें फिल्म के स्टार्ट में ही हो जाता है कि एक्चुअल में फिल्म के एंड में हमें क्या धोखा देखने मिलेगा, जिसके चलते सस्पेंस को मैं दूंगा 5 में से 1 स्टार। और अब बात करें मासेस ऑडियंस की, तो ये फिल्म मासेस ऑडियंस को फिल्म की एंड की वजह से इतनी ज्यादा पसंद आएगी कि वो लोग पूरी की पूरी फिल्म ही भूल जाएंगे कि पूरी फिल्म ने उन्हें कितना ज्यादा बोर किया था थिएटर में, जिसके चलते उनकी नजर में इस फिल्म की रेटिंग होगी B+ की। और उसके बाद आ जाए क्रिटिक्स पर, तो ऑब्वियसली क्रिटिक्स को इस फिल्म को लेकर काफी सारी शंकाएं होगी, जिसके चलते उनकी नजर में इस फिल्म की रेटिंग होगी B- की। और बात करें मेरी, तो मैंने इस फिल्म को सिर्फ और सिर्फ एंटरटेनमेंट की नजर से देखा है, जिसके चलते मेरी नजर में ये फिल्म सिर्फ सेकेंड हाफ में ही इंटरेस्टिंग थी, बाकी फर्स्ट हाफ ने मुझे बहुत ही बुरी तरीके से बोर किया है। और ऐसी ही राय पति पत्नी और वो फिल्म को भी लेकर मेरी है। खैर, लेकिन बात करें अब इस फिल्म की मेरी फाइनल रेटिंग की, तो ये रेटिंग होगी B की। तो अब जाते जाते आप मुझे कमेंट कर ये बताइएगा कि आपने अगर पानीपत फिल्म देखी है तो आपको ये फिल्म कितनी ज्यादा पसंद आई, और क्या सच में मेरी तरह आप भी इस फिल्म के फर्स्ट हाफ को देखकर बोर हुए थे या नहीं, उस बारे में कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और इसी के साथ साथ अगर आपको मेरी ये वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल भी मत भूलिएगा, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, लगे तो उस बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मैं चैनल पर जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूं आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और इस चैनल के अलावा मेरे दो और चैनल है, एक है मूवी स्टॉक मूवी गेम, जहां पर मैं हॉलीवुड मूवीज की एक्सप्लेनेशन करता हूं, और दूसरा है मूवी स्टॉक, जहां पर आपको हॉलीवुड की मूवीज के अपडेट मिलेंगे। तो मेरे उन दोनों चैनल्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अगर आपको इस फिल्म या फिर कोई दूसरी और फिल्मों से रिलेटेड डिटेल्स चाहिए तो आप सीधे आ जाइए मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जहां पर मैं ये कोशिश करता हूं कि आपके सभी सवालों के जवाब मैं टाइम पर दे पाऊं। हालांकि आपको वहां पर जवाब थोड़े लेट मिलेंगे, लेकिन ये पक्का है कि मैं आपको आपके सवालों के जवाब 100% देने की कोशिश करूंगा।
दूंगा। खैर तो अब मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, टिल देन बाय।